हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक। और इस वीडियो में दोस्तों हम तारक मेहता शो की जो रीसेंट स्टोरी चल रही है ना, यानी कि जो पानी का प्रॉब्लम आ चुका है गोकुलधाम सोसाइटी में और सारे उससे जूझ रहे हैं, तो गाइस इस पर मैं आपको एक बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं। मतलब जो आप भी सुनकर मेरे साथ एग्री डेफिनेटली करने वाले और बोलोगे हाँ यार इतना सिंपल सा सोल्यूशन था, या फिर आप ये जरूर बोलोगे कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो। तो गाइस ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों ये जो वाटर प्रॉब्लम पर स्टोरी चल रही है, आपने देखा होगा कि गोकुलधाम वाले एक दिन पानी ना होने की वजह से कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा दिखाया जा रहा है, मतलब कि आपको पानी का क्या क्या यूज करना होता है। बेसिकली आपको नहाना होता है, कभी कभी कपड़े धोने होते हैं या बर्तन साफ करने होते हैं, और मेनली आपको सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो दिन के लिए पानी नहीं आता और पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो जितना कि तारक मेहता शो में गोकुलधाम सोसाइटी वाले? Obviously है कि एक प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन कोई इतना ज्यादा ओवररिएक्ट नहीं करता कि यार हम एक दिन बिना नहाए नहीं रह सकते, हम एक दिन बिना बर्तन धोए नहीं रह सकते। तो यार ये मतलब बहुत ही ज्यादा ओवररिएक्ट हो गया यार। इतना तो यार हर बंदा कर सकता है कि थोड़े से पानी से काम चला ले अपना, लेकिन नहीं, गोकुलधाम वालों को तो भाई पूरा का पूरा टैंकर चाहिए, पूरा का पूरा पानी चाहिए। तो अब दोस्तों पानी नहीं आ रहा तो वो सारे घर छोड़ देंगे और तारक मेहता के ऑफिस के गेस्ट हाउस में चले जाएंगे रहने के लिए। तो यार ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा ओवररिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता या फिर उनको बहुत ही कम पानी में गुजारा करना पड़ता है। तो यार वो तो ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करते। ये बात सही है कि पानी की प्रॉब्लम को दिखाया जा रहा है और वो प्रॉब्लम काफी हद तक सही भी है, लेकिन दोस्तों ये कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ना तारक मेहता शो में मतलब ये दिखाया जा रहा है कि यार वो अपना दिमाग ही नहीं चला रहे। अब दोस्तों हम तारक मेहता शो की जो प्रीवियस वाटर वाली स्टोरी थी ना, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं यार। उसमें एटलीस्ट गोकुलधाम वालों में इतना दिमाग था कि यार पानी नहीं आया गोकुलधाम सोसाइटी में, तो भिड़े ने पानी का टैंकर मंगवा लिया था। अब दोस्तों इतना ज्यादा रोना धोना करने से बढ़िया कि वो खुद का एक टैंकर मंगवा सकते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में पैसे भर के और सारे आपस में कॉन्ट्री कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। और पिछली बार इसी पर कॉमेडी पैदा हुई थी, बेसिकली कॉमेडी के लिए पिछली बार स्टोरी बनाई गई थी, लेकिन नहीं, इस बार तो वाटर की प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। जबकि वो इतना सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी के लिए अलग से वाटर टैंक मंगवा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं करना, क्योंकि इससे तो बहुत ही इजीली स्टोरी खत्म हो सकती है। और क्योंकि अब कॉमेडी तो उतनी दिखाई नहीं जाती कि वो वाटर टैंक आए और उस पर बहुत ज्यादा कॉमेडी बनाई जा सके, क्योंकि प्रॉब्लम को दिखाना है बेसिकली, यहाँ पर कॉमेडी क्रिएट नहीं करनी, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जो कि हम बात भी कर चुके हैं। तो गाइस ये थी मेरी राय इस एपिसोड के बारे में और ये मिस्टेक मेरे को लगी, और गोकुलधाम वालों के पास इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। तो गाइस क्या आप मेरी इन बातों से एग्री करते हो या नहीं करते, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।